हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू क्लीन अवर ब्यूटी ब्लेंडर्स, कॉम्पैक्ट पफ्स एंड फिंगर पफ्स। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स, कॉम्पैक्ट पफ कितने गंदे हो रखे हैं। तो गाइस, ये आपको एवरी मेकअप के बाद ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया है जिससे मैं इनको क्लीन करूँगी, जॉनसन का माइल्ड शैम्पू है, इसी से मैं इनको आज क्लीन करूँगी। तो गाइज, इसके अलावा मैंने यहाँ पर दो बाउल्स लिए, दोनों में मैंने पानी लिया हुआ है, नॉर्मल वाटर है, कोई वार्म वाटर यूज़ नहीं कर रही मैं यहाँ पर। और एक मैंने फ्रेश टॉवल लिया है बिल्कुल क्लीन, उसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। तो गाइज, मैं हमेशा अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स जो है इसी शैम्पू से ही क्लीन करती हूँ। आई डोंट नो, आप उसको आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, इसमें मेरी बस लास्ट एक ही टाइम की ही शैम्पू बचा हुआ है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो अभी इसमें बाउल लिया पानी का, मैं इसमें इस शैम्पू को ऐड करूँगी। तो आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही कम प्रोडक्ट मैं इसमें डालूँगी, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ये। और इस टाइम पे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं मेरे, कॉम्पैक्ट पफ्स है, फिंगर पफ्स है, सबको मैं इसमें डिप कर दूँगी। तो गाइज, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है क्लीन करने का और बहुत आसानी से हो जाते हैं। और एक और गाइज, इसकी जो फ्रेगनेंस है शैम्पू की बहुत ही अच्छी है, एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से पानी में सबको डीप कर दिया है और शैम्पू के झाग भी बन गए, थोड़े हाथ में भी इनको मैंने क्लीन किया है। अब गाइज़, इसको मैं 15 मिनट्स तक रखूँगी ताकि और क्लीन हो जाए। तो चलिए गाइज़, 15 मिनट्स हो चुके हैं, अपने ब्लेंडर्स को क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए आप, इस तरह से मैं एक एक करके हाथ से ऐसे भी क्लीन कर रही हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छी तरह क्लीन हो गए। यहाँ पर मैंने कितना कम प्रोडक्ट लिया है और दूसरे बाउल में क्लीन वाटर में मैंने डीप कर दिया है। तो गाइज, इसी तरह से मैं हर एक ब्लेंडर को इसी तरह से हाथ से पहले इस तरह से क्लीन भी करती जाऊँगी और क्लीन वाले बाउल में डालती जाऊँगी। तो गाइज, यहाँ कोई वार्म वाटर मैंने नहीं लिया, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से इतनी अच्छी तरह क्लीन हो जाता है ये। और इसकी फ्रेगनेंस भी गाइज बहुत अच्छी आती है जॉनसन शैम्पू की। तो पफ भी बहुत गंदा हो रखा था मेरा, कितना अच्छी तरह क्लीन हो चुका है और इनका कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, पानी का कलर भी आप देख सकते हैं कितना चेंज है। तो इसी तरह से मैंने सारे ब्लेंडर्स और पफ्स को क्लीन कर रही हूँ। हाथ से भी ऐसे कर लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो ये क्लीन हम जो इसको 15 मिनट्स रखते हैं तब ये प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं, मगर एक बार हाथ से भी इस तरह से रब कर लें तो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाता है इसका। तो गाइस देखिए, पानी का कलर भी आपको दिख रहा होगा कितना इसका चेंज हो गया, जो भी फाउंडेशन हम लगाते हैं सब निकल गया। तो गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर आपका एवरी मेकअप के बाद ज़रूर क्लीन होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी स्टेप है ये। तो गाइस, अब उस पानी को मैंने रिमूव करके एक और बाउल में फ्रेश पानी ले लिया है। अब उसमें मैं एक बार इनको इसी तरह से क्लीन करके दूसरे वाले फ्रेश वाले बाउल में डालूँगी। गाइज़, यहाँ पर एक प्रोसेस और है, आप इस तरह से बाउल में ना करके आप टैप के नीचे रनिंग वाटर में भी क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर मैं कंफर्ट नहीं थी इसीलिए मैंने इस प्रोसेस से किया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि वाटर कितना क्लीन है उस बाउल का। तो गाइज़, यहाँ पर जब ये लास्ट क्लीनिंग करें तो आप इसमें डिटॉल भी अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस मुझे पसंद नहीं है। इससे क्या होगा, आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर्स है डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, तो एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो प्रोसेस भी ओके है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ब्यूटी ब्लेंडर सब अच्छी तरह क्लीन कर लिए, तो लास्ट बाउल का जो पानी है वो क्लीन दिख रहा है। तो क्लीन दिख रहा है कि इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लीन हो गए। जब तक ये क्लीन ना दिखे तो आप इसको पानी से धोते रहें, और सबसे अच्छा ऑप्शन तो है टैप के नीचे रनिंग वाटर के।
तो गाइज ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हम जहाँ यूज़ करते हैं वो फेस हमारा बहुत सेंसिटिव डेलिकेट होता है, तो ये क्लीन होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्ने पिंपल्स आपके स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं लास्ट में इसको स्क्वीज़ करके इसका पानी फ्रेश टॉवल पे रखती जा रही हूँ, इस तरह से इसका पानी बिल्कुल हाथ से निकाल रही हूँ ताकि ड्राई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज़ अब इनको मैं नेचुरल तरीके से ही ड्राई करूँगी, कोई मैं धूप में नहीं रख रही, कोई कुछ यूज़ नहीं कर रही, बस इस तरह से टॉवल पे रहेंगे और ये नेचुरल ही ड्राई हो जाएंगे। समर का टाइम है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला भी पफ मेरा कितने अच्छी तरह क्लीन हो गया, सारे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्लीन रहेंगे तो आपको मेकअप में भी जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। So guys, after the deep cleaning of blenders, now I am going to show you how to use beauty blender. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है पानी में, और यहाँ पर हम जब मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह के हमें पैकिंग में ब्लेंडर्स मिलते हैं, और ये इतने ही साइज़ में छोटे होते हैं, तो आपने देखा होगा। तो अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, मगर उससे पहले जो मैंने वॉश करके जो मैं यूज़ करती हूँ उनको दिखाती हूँ। ग्रीन वाला कितना सॉफ्ट है, यूज़ हो चुका है, और ये वाला कितना हार्ड होगा इसको मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना हार्ड है गाइस, इसको आप अपने फेस पे तो यूज़ नहीं कर सकते ना, इतना हार्ड। ये सॉफ्ट होना चाहिए तभी हमारे फाउंडेशन जो भी क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं वो ब्लेंड होगी। तो आप दोनों में फ़र्क देखिए, ग्रीन वाला कितना सॉफ्ट है और ये वाला कितना हार्ड है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया, जब भी आप मेकअप करें ब्यूटी ब्लेंडर इसी तरह से आपको यूज़ करना है। तो पानी अच्छा फ्रेश होना चाहिए, अपने ब्यूटी ब्लेंडर को डीप कर दे, फिर स्क्वीज़ करें, फिर डिप कर दें, फिर स्क्वीज़ करें, ऐसा आपको 4-5 टाइम्स करना है। तो आप देखेंगे कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर इंक्रीज़ होता जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो भी अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह इवन ब्लेंड कर देगा। तो गाइस देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है ये। मेरे पास एक्चुअली में ब्यूटी ब्लेंडर 4 हैं, तो इसीलिए मैंने पिंक वाले को अभी यूज़ नहीं किया है, इसी को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस मेरे चैनल को अपने फैमिली में अपने फ्रेंड में भी फॉरवर्ड कीजिए, और बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाय बाय।